हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ द 100 क्रिकेट के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम के अंदर 17 अगस्त को रात को 11:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो मैदान है ना, बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही शानदार है। बाउंड्रीज भी काफी छोटी है इस मैदान के अंदर, तो रन मारने काफी आसान होने वाले हैं। दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में, जिनको लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद पिछले मुकाबले में हार मिली और टीम इस मुकाबले के अंदर वापसी करना चाहेगी। ऐसा पहली बार हुआ जब टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि मेरे को लगता नहीं टीम को कोई टेंशन करने की बात है। कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स और डाविड मलान, ये तीनों बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। ऑलमोस्ट हर मुकाबले में अच्छा खेले हैं। अगर इन तीन में से कोई भी एक भी बल्लेबाज लंबा खेलेगा ना, इस टीम के लिए काफी कमाल की बात होने वाली है। और इन दोनों के अलावा इयान कॉकबर्न इस टीम में है, टॉम कॉलर कैडमोर इस टीम में है। तो जो ट्रेंट रॉकेट्स की बल्लेबाजी है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और मेरे को लगता नहीं है ना टीम को पैनिक करने वाली है। बैटिंग एक स्ट्रांग पार्ट है इस टीम का, लेकिन जो ऑलराउंडर्स है ना टीम के, वो और भी कमाल की बात है। डेनियल सैम्स ने पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी मारी, बहुत ही कमाल बल्लेबाजी करी। उनके लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग भी काफी शानदार है, कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर इंग्लैंड के दो ऑलराउंडर्स लुइस ग्रेगरी और समित पटेल भी काफी शानदार खेल सकते हैं, फिर चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। तो ये तीन जो ऑलराउंडर्स है ट्रेंट रॉकेट्स के पास में, इस मुकाबले के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। अगर ये तीनों अच्छा करेंगे ना, ट्रेंट के लिए काफी शानदार बात होगी। गेंदबाजी में पिछले मुकाबले में ल्यूक वुड ने काफी अच्छा स्पेल डाला। ल्यूक वुड एक काफी अच्छे तेज गेंदबाज है, कंटिन्यू करना चाहेंगे इस मुकाबले में। और तबरेज शमजी का स्पेल भी काफी शानदार था पिछले मुकाबले में। तो ट्रेंट रॉकेट्स भले ही पिछला मुकाबला हार गई हो, लेकिन एक बहुत ही स्टेबल टीम है, और टीम इस मुकाबले में जीत करना वापसी करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं ओवल इनविंसिबल्स के बारे में, जिन्होंने पहला मुकाबला हारने के बाद बहुत ही कमाल की वापसी करी है और टीम लगातार ना मुकाबले जीते जा रही है। विल जैक्स ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार सेंचुरी मारी और द 100 क्रिकेट का हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर बना दिया। तो जरूर से विल जैक्स की बल्लेबाजी पे इस मुकाबले के अंदर भी निगाह होने वाली है। लेकिन जेसन रॉय लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, उनके लिए एक रन बनाना भी इतना मुश्किल काम है। पता नहीं वो कब तक कंटिन्यू होने वाले हैं, पर जेसन रॉय एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, फिर एक बार उनके फॉर्म पे निगाह होने वाली है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर राइली रूसो है, सैम बिलिंग्स है, सैम करन है, तो बल्लेबाजी के अंदर कुछ काफी अच्छे नाम है ओवल इनविंसिबल्स के पास भी। लेकिन इस टीम की स्ट्रेंथ है इस टीम की गेंदबाजी। सुनील नारायण ने बहुत ही कमाल गेंदबाजी करी इस टीम के लिए, उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत शानदार है, इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं। रीस टॉपली का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा, इंटरनेशनल के अंदर भी काफी शानदार खेले, पिछले मुकाबले के अंदर भी विकेट्स निकाले। फिर मोहम्मद हसनैन है, टॉम करन है, डैनी ब्रिक्स है। तो जो गेंदबाजी है ना ओवल इनविंसिबल्स की, वो बहुत ही शानदार है। अगर बैटिंग अच्छा कर पाएगी ना इस मुकाबले में, तो ये टीम बहुत स्ट्रांग जाने वाली है। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी ओवल इनविंसिबल्स, वो टीम होगी ट्रेंट रॉकेट्स। आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। तो मेरी पिक रहेगी इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम। मेरे को लगता है ट्रेंट रॉकेट्स से काफी बैलेंस टीम है और वो दबाव बनाएंगे इस मुकाबले में। हालांकि ओवल के पास भी काफी शानदार टीम है, तो बराबर का मुकाबला होगा, लेकिन मैं पिक करूंगा इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।